राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान 5 दिसंबर को पहुंचेगी, लेकिन ये यात्रा आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोटा से झालावाड़ तक नेशनल हाईवे बंद रहेगा। झालावाड़ आते ही हाईवे बंद हो जाएगा। राजस्थान में अपनी गाड़ी से कोटा और झालावाड़ जा रहे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सूचना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले में एंटर करेगी। इसके बाद कोटा से झालावाड़ जाने वाला नेशनल हाईवे 52 को बंद कर दिया जाएगा। यहां से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रूट बदले जाएंगे। गाड़ियों के रूट में बदलाव से आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया है। खासकर प्रशासन ने हैवी ट्रैफिक को रोकने का काम किया है। खबर है कि 5 से 8 दिसंबर तक गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। कोटा, बारा, खानपुर, झालावाड़ में नए रूट बनाए गए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशासन ने ये रूट डाइवर्ट किया है। 5 दिन के सफर में आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, उन्हें हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान रूट फाइनल कर लिया गया है। यात्रा 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश से झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा 7 दिसंबर को कोटा सिटी आएगी। यात्रा कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से होकर गुजरेगी। इसके चलते प्रशासन ने नेशनल हाईवे को बंद करने की योजना बनाई है। जिस दिन यात्रा झालावाड़ पहुंचेगी वो 4 दिसंबर को है। इसी दिन कोटा से झालावाड़ मार्ग बंद रहेगा। 8 दिसंबर को यात्रा हाईवे से निकलेगी। इसके बाद हाईवे को फिर से खोल दिया जाएगा। यात्रा के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। यात्रा 8 दिसंबर को बूंदी जिले से होते हुए सवाई माधोपुर की ओर निकलेगी। इसके बाद यात्रा दौसा और अलवर होते हुए हरियाणा जाएगी।